अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा, भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला, महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति मंदन अधिनियम मिला, भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए, कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ, रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाला अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू हुआ, देश को पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत मिली, देश भर में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए, भारत में मेड इन इंडिया 5G लॉन्च हुआ और सबसे तेजी से विस्तार भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसी दौरान लॉन्च हुआ। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया, अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहेब जादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है अंतः अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। साथियों, भारत की आजादी हमारे साझा संकल्पों की सिद्धि है। हमें मिलकर इसकी निरंतर रक्षा करनी है। हमें 2047 तक, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर आज के इस विशेष दिवस को याद करेगा। हमने जो संकल्प लिया,
हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए उसे हमें पूरा करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने हैं। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें। सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान इसी संकल्प के साथ चल पड़े। मेरे साथ बोलिए और आज ये माय भारत संगठन के प्रारंभ के आनंद में मैं आप सबसे कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश चालू कीजिए, चारों तरफ आजादी के अमृत महोत्सव का ये नया रंग भी, ये नया उमंग भी, ये नया अवसर भी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।